केटी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चिली पनीर बनाना सिखा रही हूँ, जिसके लिए हमें एक छोटा इंच टुकड़ा अदरक और 5-6 कलियां लहसुन की जो हमने कद्दूकस करके रखी हुई है, हमें 6 टमाटर चाहिए मीडियम साइज के जो हमने कद्दूकस कर लिए हैं, हमें 300 ग्राम ये पनीर है जिसके हम छोटे टुकड़े वो काट लिया है, ये हमें 2 छोटे साइज के प्याज है जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 1 बड़ी शिमला मिर्च है, थोड़ा सा धनिया है, 1 चम्मच हमारे पास धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच देगी मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और ये हमें गरम मसाला। चलिए गाइस बनाना सिखाते हैं। गाइस अब हमने 1 करछी सरसों का तेल लेना है और इसको अच्छी तरह गरम कर देना है। देखिए ये तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हमने जो छोटे छोटे टुकड़ों में शिमला मिर्च काटी थी उसको हम फ्राई के लिए इसमें डाल देंगे। हमने सारी शिमला मिर्च डाल दिया, अब इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। देखिए ये फ्राई हो चुकी है, अब हम इसको बाहर निकालेंगे। देखिए अब इसके बाद जो हमने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे उनको भी हमने हल्का सा फ्राई करना है। देखिए हम इसको फ्राई कर रहे हैं, बस हल्का सा इसको फ्राई करना है, फिर इसको हमें निकाल लेना है। देखिए हमने ये शिमला मिर्च और ये प्याज है दोनों फ्राई कर लिए, इसको ट्रांसपेरेंट करना है, इसको ज्यादा हमें नहीं पकाना। ये हम अब देखिए हम ये उसी ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं, इसको हल्का सा हमने ब्राउन कर लेना है। ब्राउन हो गया, इसके बाद जो हमने मसाले लिए थे वो इसके अंदर हम डाल देंगे। देखिए हमने मसाले डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल के इसमें हल्का सा इसको भून लेंगे। देखिए ये भून चुका है, अब इसमें टमाटर का जो हमने प्यूरी बनाई थी वो हमने इसमें डाल दी है और इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे और जब तक भुनाई करेंगे ये ऑयल ना छोड़ दे। देखिए हमने मिक्स कर दिया, अब इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे और फिर इसके बाद हम आपको दिखा देंगे। मसाला भूनते समय हमें क्रश करके 5-6 पनीर के टुकड़े डाल देने हैं और फिर उसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। देखिए हमने पनीर डाल चुके हैं इसमें क्रश करके, अब अच्छी तरह इसका मसाला भूनेंगे। हमारी इसने मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है और अब हम इसमें पानी डालेंगे। हमें जितनी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम 1 ग्लास इसमें पानी डाल देंगे और आपको जैसी चाहिए अब उसके अकॉर्डिंग डालिए। अब इसको मिक्स करेंगे और 1 उबाल आने तक इसको पकाएंगे। देखिए हमारे ग्रेवी में 1 उबाल आ गया है। अब हमने जो हम पनीर के पीसेस काट के रखे थे वो इसमें डाल के इसको 10 मिनट और हमें पकाना है। देखिए गाइस इसको 10 मिनट हो गए हैं, आप अगर इससे भी गाढ़ी रखना चाहते रखिए। फिर ये हमने जो ऑनियन और शिमला मिर्च हमने फ्राई की थी इसमें ये डाल के सिर्फ 5 मिनट तक फिर हमने इसको बॉईल करना है। गाइस 5 मिनट हो गए हैं इसको, अभी हो चुके हैं। अब हम उसमें 1 चम्मच गरम छोटा गरम मसाले का डाल देंगे और ऊपर से धनिया पत्ती इसमें डाल देंगे और इसको गैस हम ऑफ कर देंगे। देखिए गाइस ये चिली पनीर हमारा बनके तैयार हो गया। ये देखने में जितनी सुंदर लग रही है उतनी ही खाने में स्वादिष्ट है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। बनाइए, खाइए और फिर बताइए। बाय बाय, थैंक यू।